हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज निशांत और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि लिंक में एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं एंड देन हम उनका यूज़ क्यों करते हैं। सो क्या होता है कि जब भी आप लिंक में एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करते हैं तो वो क्या काम करता है, जो आपके कलेक्शन की मल्टीपल रोज होती हैं, ठीक है, उन्हें एक साथ कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, एज ए इनपुट, और आपको एक सिंगल वैल्यू एज आउटपुट रिटर्न करता है, ठीक है। अब हम एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ कब करते हैं, तो जब भी आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, लाइक सम, काउंट, मैक्स, मीन, एवरेज, ठीक है, उस टाइम पे हम एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करते हैं। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि क्या हुआ कि आपके पास एक कलेक्शन है, ठीक है, एंड देन वो कलेक्शन ऑफ इंटीजर, ठीक है। लेट्स से आप इसको ऐसे समझ लिए कि आप क्या काम कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स की एज को सेव करके रख रहे थे, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि जो उनकी एज है उसका टोटल सम कितना है, राइट, तो आप उस पर क्या काम कर लेंगे, सम फंक्शन को परफॉर्म कर देंगे। अगर आपको ये चेक करना है कि उस कलेक्शन में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप क्या काम करेंगे, काउंट, जो आपका एग्रीगेट फंक्शन होता है उसको यूज़ कर लेंगे। तो काउंट क्या काम करेगा, टोटल जितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। एवरेज एज निकालनी है तो आप क्या काम करेंगे, सपोज कीजिएगा, लेट्स से कि हमारे पास दो एलिमेंट्स थे, ठीक है, एक की एज थी 4 और दूसरे की एज थी 8, ठीक है। तो जो एवरेज एज होगी वो कितनी हो गई, 6, 4+8/2, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, अलग से एवरेज निकालने का लॉजिक नहीं लिखना, आप क्या काम करेंगे, सिंपली जो आपका कलेक्शन है उसमें डॉट एवरेज मेथड को परफॉर्म कर देंगे। तो वो क्या काम कर देगा, जो एवरेज वैल्यू होगी आपको वो रिटर्न कर देगा। फिर आता है मैक्स, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि जो कलेक्शन ऑफ इंटीजर था, आई मीन जिसके अंदर हमने एज को होल्ड करके रख रखा था मल्टीपल स्टूडेंट्स की, अगर आपको चेक करना है कि जो मैक्स एज है, सबसे ज़्यादा एज किसकी है, राइट, कौन सी है, तो वो क्या काम करेगा, जो मैक्स वैल्यू होती है वो रिटर्न कर देता है। एंड देन सेम वे में मीन क्या काम करेगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो आज हम क्या काम करने वाले हैं, इन्हीं को समझने वाले हैं। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने एक क्लास बनाई है जिसका क्या नाम है, एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। उस एग्रीगेट फंक्शन में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है, सिंपली जो इंटीजर्स होते हैं उनके साथ में ये सारे के सारे कैसे काम करेंगे, फिर वेयर क्लोज के साथ ये सारे कैसे काम करेंगे, ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स टाइप के साथ सब कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, जो मेरे पास ये क्लास है एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है, मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कहाँ पर, प्रोग्राम डॉट सी एस में, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जाता हूँ अपनी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन प्रोग्राम डॉट सी एस में मैं क्या काम करूँगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूँगा, ठीक है, एग्रीगेट इक्वल्स टू न्यू एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है। एंड देन मैं क्या काम करूँगा, जितने भी मेथड थे वहाँ पे वो सारे कॉल कर दूँगा, जैसे कि पहला मेथड था एग्जांपल, दूसरा मेथड था वहाँ पे मेरा एग्रीगेट विद वेयर, एंड देन जो थर्ड एग्जांपल था वो था एग्रीगेट डॉट एग्रीगेट फंक्शंस विद कॉम्प्लेक्स टाइप, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पुट किया हुआ है, तो जैसे अब मैं इस कोड को एक बार रन कर देता हूँ कि यहीं पे ब्रेक रुक जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको लाइन बाय लाइन डीबग करेंगे ताकि हमें सारे के सारे एग्जांपल सही से डिटेल में समझ आ जाए। थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हो गया एंड देन ये ब्रेक पॉइंट पर आ गया। तो हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या काम किया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर हम पहला मेथड कॉल करने गए एग्जांपल के नाम से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया कि एरे ले लिया, एरे ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, जिसका नाम क्या है, इंट नंबर्स, और उसने क्या काम कर रखा है, बहुत सारी वैल्यूज को होल्ड करके रख रखा है, 10, 30, 50, 40, 60, 20, 70, 90, 80 and 100, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, जो भी हमारे पास ये एग्रीगेट फंक्शंस थे उनको बहुत वेज में ट्राई करेंगे, ठीक है, मेथड सिंटैक्स के थ्रू हम कैसे यूज करेंगे एंड जो क्वेरी सिंटैक्स होता है उसके थ्रू हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेथड सिंटैक्स। तो मेथड सिंटैक्स में क्या काम करना होता है, जस्ट कलेक्शन को ले, देन कलेक्शन में जो आपका मेथड का नाम है, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन, उसको डॉट लगा के कॉल कर दे। तो हमने क्या काम किया, इंट नंबर्स जो हमारा कलेक्शन था डॉट सम, ठीक है, जो कि एक एग्रीगेट फंक्शन है, तो वो क्या काम करेगा, जितनी भी ये वैल्यूज थी 10+30+50 and so on, वो इन सबको प्लस कर देगा, और उसने क्या वैल्यू रिटर्न करी, 550। तो ये जितनी भी वैल्यूज थी इनका सम कितना होता है, वो होता है 550, ठीक है। अगर आपको इसको क्वेरी सिंटैक्स से करना है तो उसको कैसे करेंगे, फ्रॉम नम इन इंट नंबर्स,
ठीक है, यहाँ पे जो नम है वो एक हर एक ईच नंबर को डिफाइन कर रहा है। देन सिलेक्ट नम, सारे नंबर सिलेक्ट कर लिए, डॉट, उस पर सब मेथड को कॉल कर दिया। ठीक है, और हमने क्या काम किया, जो क्यू एस टोटल आया उसको यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट कर दिया। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, तो 550 मेरा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या काम किया, काउंट को यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, काउंट क्या काम करेगा, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको रिटर्न करता है। तो मेथड सिंटैक्स सेम वे यूज करना कि कलेक्शन नेम डॉट काउंट। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो काउंट कितना आ गया, 10, क्योंकि मेरे पास इसमें 10 ही एलिमेंट्स थे। ठीक है, सेम वे में मैं इसको बार बार क्वेरी सिंटैक्स से नहीं बताने वाला, क्योंकि यहाँ पे वो बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, आपको सेम क्वेरी सिंटैक्स में लिखना है, देन उस पर सम काउंट मैक्स मीन एवरेज मेथड को डॉट लगा के कॉल कर देना। क्लियर, तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, काउंट को प्रिंट करा दिया। आप काउंट भी चेक कर सकते हैं, काउंट हमारा कितना आया, 10। उसके बाद मैंने क्या काम किया, एवरेज कैलकुलेट करना था, तो कलेक्शन डॉट एवरेज कॉल किया, तो एवरेज वैल्यू देखते हैं कितनी आई, 550। कैसे आई, उसने इन सबको सम किया। ठीक है, एवरेज फंक्शन के अंदर का लॉजिक क्या होगा, ये सब वैल्यूज को सम करेगा, डिवाइडेड बाई सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाई काउंट ऑफ वैल्यूज, तो 550 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया, 55। ठीक है, तो उसने यहाँ पे एवरेज को भी प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, अब चेक कर लेते हैं मैक्स। तो ये क्या काम करेगा, मैक्स इस इंटीजर एरे में जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसको रिटर्न कर देगा। अब देखते हैं कि मैक्स वैल्यू क्या आती है, तो हमारी मैक्स वैल्यू आई 100, हमने 100 प्रिंट कर दिया। फिर हमने डॉट मीन लगा के मिनिमम वैल्यू निकाल ली, मिनिमम वैल्यू हमारी क्या आई, 10, और उसने यहाँ 10 को भी प्रिंट कर दिया। तो आप देखेंगे 100 एंड 10 भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आपको सिंपली इनका यूज समझ में आया होगा। अब चेक कर लेते हैं कि अगर हमें फिल्टरिंग के साथ भी एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करना है तो कैसे करेंगे, फिल्टरिंग मतलब वेयर क्लोज को के साथ। ठीक है, तो अब देखिएगा, पहले मेथड सिंटैक्स को फॉलो कर लेते हैं। मेथड सिंटैक्स में क्या है, कलेक्शन डॉट वेयर नम इक्वल्स टू नम इज ग्रेटर देन 50, कि इंटीजर नंबर्स का जो एरे है कलेक्शन में, वेयर फिल्टर का यूज करेंगे, उसमें लैम्डा एक्सप्रेशन लिख दिया कि वो सारी वैल्यू जो 50 से बड़ी है उनका सम निकाल दीजिए। तो उनका सम कितना हुआ, 400। ठीक है, अब इसको क्वेरी सिंटैक्स से करेंगे तो वही, पहले इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, फ्रॉम नम इन इंट नंबर्स, फिर कंडीशन वेयर नम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, एंड देन सिलेक्शन, सिलेक्ट नम। ठीक है, और उस पर हमने क्या काम कर दिया, सब मेथड को कॉल कर दिया, तो ये भी सेम वैल्यू रिटर्न करने वाला है, 400। अब मैं इसको 400 को यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। अब काउंट के केस में चेक कर लेते हैं कि वही कलेक्शन डॉट वेयर कंडीशन एंड देन काउंट, कि ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो 40 से बड़ी है, तो देखेंगे कितनी आएगी, 6। ठीक है, सेम वे में क्या काम करेंगे, जो क्वेरी सिंटैक्स है ये मैं आपको ऑलरेडी के बाद बता चुका हूँ, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो ये भी सेम वैल्यू ही रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया। तो देखिएगा, पहले केस में प्रिंट हुआ 400, दूसरे केस में प्रिंट हो गया 6। अब क्या काम करेंगे, हमें निकालना है एवरेज। तो हमने क्या काम किया, जो इंटीजर नंबर्स का कलेक्शन था उसमें से पहले तो वो सारी वैल्यूज निकाल लो जो 50 से बड़ी है। ठीक है, और फिर जो वैल्यूज आएंगी 50 से बड़ी जितनी भी थी उनका एवरेज निकाल दो। तो उनका एवरेज कितना आया, 80। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, जो 80 आया था, क्वेरी सिंटैक्स से भी सेम क्वेरी लिखेंगे, देन डॉट एवरेज मेथड को कॉल कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 80 प्रिंट करा दिया। फिर मैक्स निकालना है वो सारी वैल्यूज जो 50 से छोटी हैं, उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो इंटीजर नंबर्स डॉट वेयर क्लोज के अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन कि वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है जो 50 से छोटी है, तो वो जितनी भी वैल्यू आई उसमें अब मैक्स एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर लिया। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू देगा, 40, क्योंकि 50 से छोटी 40 ही सबसे बड़ी वैल्यू थी यहाँ पे। ठीक है, हमने उसको 50 को प्रिंट कर दिया। देन फिर लास्ट में कि मीन वैल्यू, वो सारी वैल्यू जो 50 से बड़ी है उसमें मीन वैल्यू क्या होगी, तो वो 60 होगी आई थिंक, या वो 60, एंड देन हमने यहाँ पे 60 भी प्रिंट कर दिया। तो ये सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पे प्रिंट होगी। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, हम समझ लेते हैं थर्ड एग्जांपल कि एग्रीगेट जो फंक्शन होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स टाइप के साथ कैसे काम करता है। तो अब यहाँ पे जाते हैं, तो आप देखेंगे मैंने क्या काम किया है, इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉयज़ क्लास बनाई है। उस एम्प्लॉयज़ क्लास में आपकी आईडी, नेम, सैलरी एंड देन डिपार्टमेंट, ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, पाँचवा उसमें क्या है, एक मैथड है गेट ऑल एम्प्लॉयज़। ये गेट ऑल एम्प्लॉयज़ मैथड क्या काम करेगा, एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को रिटर्न करता है, और जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है ये डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर, अब मैंने क्या काम किया, यहाँ पे जब मैं मेथड सिंटैक्स को यूज कर रहा हूँ तो मैंने पहले एम्प्लॉयज डॉट गेट एम्प्लॉय गेट ऑल एम्प्लॉयज मेथड कॉल कर दिया। ये मेथड डायरेक्टली इसलिए कॉल कर पाया क्योंकि ये क्या है आपका
ये एक स्टेटिक मेथड है, ठीक है, और स्टेटिक मेथड को आप बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बिना भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जस्ट राइट द क्लास नेम एंड देन डॉट द मेथड नेम, ठीक है। तो ये आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज रिटर्न कर देगा। तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज में हमने क्या काम कर दिया, सब मेथड को यूज कर दिया, एम्प्लॉय इक्वल्स टू एम्प्लॉय डॉट सैलरी, कि भाई जितने भी एम्प्लॉयज आएंगे उन सबकी सैलरी का सम करके मुझे बता दो, ठीक है। लेट्स से आप क्या हुआ कि आपकी एक कंपनी है, ठीक है, उसमें आपके 10 लोग काम करते हैं, देन आपको अपना फाइनेंस का ध्यान रखना है कि टोटल सैलरी आपके अकाउंट से कितनी जाती है। तो फॉर दैट पर्पज वी कैन यूज सब मेथड, राइट। तो यहाँ पे कितनी आई सैलरी, 2,66,000, ठीक है। क्वेरी सिंटैक्स से कैसे करेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉय इन एम्प्लॉय डॉट गेट ऑल एम्प्लॉयज मेथड एंड देन सिलेक्ट एम्प्लॉय और उस पर डॉट सम इक्वल्स टू ई डॉट सैलरी मेथड को कॉल कर देंगे, ठीक है। और फिर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे सैलरी को प्रिंट कर देंगे। सेम काउंट वे में क्या काम करेंगे, एम्प्लॉयज डॉट गेट ऑल एम्प्लॉयज को मेथड को कॉल किया, इसने एम्प्लॉय की लिस्ट दे दी, उस पर हमने काउंट मेथड को कॉल कर दिया। तो जो काउंट मेथड है वो क्या काम करेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिटर्न कर देगा, कितने 10। क्वेरी सिंटैक्स भी ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे डॉट सम की जगह डॉट काउंट कॉल करना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब आप सब मेथड यूज करेंगे तो सब में आप क्या काम करने वाले हैं, उस कॉम्प्लेक्स टाइप में लेट से 10 प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। तो कोई इंटीजर फ्लोट या डबल जिसकी वैल्यू को आप सम कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू को ही सम करेंगे, तो वो यहाँ पे एज ए लैम्डा एक्सप्रेशन आप उसमें सम मेथड के अंदर पास करेंगे। बट जब काउंट की बात कर रहे हैं तो काउंट में आपने क्या काम किया है, सिर्फ जितने भी एम्प्लॉयज थे उनका काउंट दे दो, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके अंदर कुछ भी पास नहीं किया एंड देन हमने जस्ट काउंट यहाँ पे प्रिंट करा दिया। एवरेज भी आप किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ही निकालेंगे, तो एम्प्लॉयज डॉट गेट ऑल एम्प्लॉयज मेथड डॉट एवरेज, और एवरेज किसका निकालना है, एम्प्लॉय डॉट सैलरी का। तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी का एवरेज आएगा कितना आएगा, 26,600, क्योंकि 10 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। सेम इसको क्वेरी से भी कर लेंगे आप, क्वेरी सिंटैक्स, और यहाँ पे हमने सैलरी प्रिंट कर ली। अब आपको जो मैक्स वैल्यू निकालनी है वो भी किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे ही निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स टाइप की या क्लास की। तो एम्प्लॉयज डॉट गेट ऑल एम्प्लॉयज मेथड, जो कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न कर रहा है, उस पर डॉट मैक्स मेथड कॉल किया, और मैक्स मेथड उस लिस्ट में उस कलेक्शन में क्या किस चीज़ को मैक्स करेगा, सैलरी को, कि किस एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी थी। तो यहाँ पे कितना आ गया, 50,000, किसी एक एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी थी, वो जो सबसे ज़्यादा थी वही उसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। एंड देन हमने उसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमने मिनिमम वैल्यूज निकाल ली, तो सेम जैसे मैक्स को यूज किया था, एम्प्लॉयज डॉट गेट ऑल एम्प्लॉयज डॉट मीन, और मीन क्या निकालना है, एम्प्लॉय डॉट सैलरी, कि किस एम्प्लॉय की सबसे कम सैलरी है, जिसको हम सबसे कम पे कर रहे हैं। तो वो कितना आ गया हमारा, 10,000, और वो 10,000 हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो ये सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पे प्रिंट हो गई। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन यूज एग्रीगेट फंक्शंस इन सी शार्प लिंक, ठीक है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो।